पेरिस ओलंपिक्स में भारत को अपना पहला मेडल मिल चुका है जो कि ब्रोंज के तौर पर आया और मनु भाकर ने कमाल का प्रदर्शन करके शूटिंग में मेडल जीत लिया है। और इसी के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ब्रोंज मेडल जीता। मनु भाकर के इस ब्रोंज मेडल जीत के साथ पूरे देश में खुशियों की लहर है और इसी के साथ अगर देखा जाए तो कई जगह से उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और भी तमाम लोगों के द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं। और उसके अलावा उनके घर पर किस तरीके का माहौल है, चलिए देखते हैं। तो आपने अभी देखा किस तरीके से घर पर जश्न मनाया जा रहा है, इसके साथ ही उनके परिवार वालों ने इस मेडल को किस तरीके से सेलिब्रेट किया, चलिए देखते हैं एक एक की बाइट्स सुनते हैं कि किस तरीके से वो लोग क्या बोल रहे हैं मनु भाकर के इस परफॉर्मेंस पर और इस अचीवमेंट पर। सर बहुत बहुत मुबारक है आपको, बेटी ने मेडल जीता है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश है आपका? आप देख सकते हो मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कुलीग ज्यादा खुश है, पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं, इस उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है, तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है, स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी, टॉप्स एक डिपार्टमेंट है वहां से, स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है और OGQ उनका मदद करती है और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफी बूस्टअप है और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु कितने समय से जो है मेहनत कर रही थी शूटिंग का, कितने किस एज में उसको शुरुआत हुई? मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। 2021 में एक बार मनु का हौसला टूट गया था, 4 महीने का छोड़ दिया, तब कैसा लगा था आपको, कैसे दोबारा? नहीं, मनु सोच रही थी कुछ और करने के लिए और वो मनु की पुरानी आदत है, जैसे वो टांगता और कराटे में नेशनल जीतने के बाद आके हमें बता देती थी, पापा मैं अभी 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 नहीं खेलूंगी या गेम चेंज करूंगी, तो पुरानी थी तो हम उसको जस्ट नॉर्मल उसको लिया था कि भाई वो उसका वो है। तो आगे के इवेंट से उनके लिए कैसे आप उनको कुछ करना चाहेंगे, अभी कुछ और इवेंट्स? अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है, अभी बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे, अभी तो ये शुरुआत है तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है, तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले दो। कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं आप इसमें? सर मीडिया आ गया, एक मिनट। कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं? कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखिए, शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरत थी शूटिंग गेम में ना, इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 20,000 के करीब, स्पेशली हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं, तो इससे मैं ये कहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा और ये गेम अपने आप में नई ऊंचाइयों पे जाएगा। डॉक्टर बन जाए, मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की, मेरे घर में एक डॉक्टर रहेगा, इसलिए ये था मेरा मनु को। आज ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अब नेक्स्ट उसकी क्या उम्मीद कर रहे हैं? नेक्स्ट मेडल रहेगा? मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही हूँ वैसा ही महसूस कर रही हूँ।